हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था विच वॉज अ कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन टीचिंग एंड बैंकिंग सेक्टर। अपने उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था अबाउट द जॉब प्रोफाइल ऑफ अ बैंकर एंड अ टीचर। और आज का हमारा वीडियो होने वाला है अबाउट द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ प्राइमरी टीचर वर्किंग इन यूपी गवर्नमेंट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। एक टीचर की सबसे पहली और जरूरी जिम्मेदारी होती है बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना। हमारा मकसद सिर्फ अपना सिलेबस पूरा करना नहीं होता, बल्कि हर बच्चे को कॉन्सेप्ट बताकर और समझाकर पढ़ाना होता है। और क्या आपको पता है कि एक स्टडी में पाया गया है कि जिन बच्चों को प्राइमरी लेवल पर अच्छी एजुकेशन मिलती है उनके आगे बढ़ने के चांसेस बाकी बच्चों से ज्यादा होते हैं। इसीलिए अब यूपी के प्राइमरी स्कूलों में भी टीचिंग प्रोसेस को पूरी तरह से एक्टिविटी बेस्ड कर दिया गया है। और ये सभी एक्टिविटीज कोई भी टीचर अपने टाइम पास करने के लिए या फिर बच्चों को ना पढ़ाने के बहाने के लिए नहीं कराता है, बल्कि ये सभी एक्टिविटीज हमारे शासन द्वारा स्कूल रेडीनेस कैलेंडर के माध्यम से सभी स्कूलों में कराना अनिवार्य कर दिया गया है, जैसे कि आप सभी लोग मेरे शॉर्ट वीडियोस में भी देखते रहते होंगे। सो नाउ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इज कि क्या हम टीचर सिर्फ एक्टिविटीज ही कराते हैं? तो ऐसा नहीं है। सरकारी स्कूलों में जो बच्चे क्लास एक में एडमिशन लेते हैं वो सभी 6 साल के ऊपर के होते हैं, पर उन्होंने प्राइवेट स्कूल के बच्चों के जैसे नर्सरी, LKG और UKG क्लासेस नहीं पढ़ी होती हैं, जहाँ पे बच्चों को खेल खेल में काफी कुछ सिखा दिया जाता है। इसीलिए इनके लिए क्लास एक में एक्टिविटीज ज्यादा कराई जाती हैं, ताकि बच्चों को अपने स्कूल के प्रति रुझान बढ़े और वो डेली स्कूल आने के लिए प्रेरित हों। तो टीचिंग के बाद एक सरकारी अध्यापक की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है नामांकन, यानी कि एडमिशन प्रोसेस। हम सभी टीचर्स अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि सभी बच्चों को शिक्षा का लाभ मिल सके और कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह पाए। अब सरकारी स्कूलों में एडमिशन प्रोसेस प्राइवेट स्कूल की तरह नहीं होता, जहां सभी पेरेंट्स स्कूल में आकर बच्चों के नाम लिखा जाएं। यहां गांव के बच्चों के एडमिशन के लिए भी टीचर्स को ही प्रयास करने पड़ते हैं। अप्रैल के महीने में जब नया सेशन शुरू होता है, तब स्कूल का सभी स्टाफ स्कूल चलो अभियान करके रैली निकालते हैं। उस रैली में सारे टीचर्स गांव में जाकर पेरेंट्स से मिलते हैं और उनको इस बात की जानकारी देते हैं कि अब हमारे स्कूल में एडमिशन शुरू हो चुका है और आप अपने बच्चों के नाम लिखवा लीजिए। लेकिन अप्रैल और मई के महीने में ही गांव में कटाई वगैरह होती है, जिससे लोग अपने बच्चों के एडमिशन के लिए ध्यान नहीं देते। इसी वजह से हम टीचर्स फिर मिड अप्रैल में हाउस होल्ड सर्वे करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि किस घर में 6 साल तक के छोटे बच्चे हैं। इसके बाद हम इन सभी बच्चों के पेरेंट्स को कॉल लगाकर इन्हें स्कूल बुलाते हैं और बच्चों के नाम लिखवाते हैं। और साल भर स्कूल के द्वारा उन बच्चों के पेरेंट्स को भी कॉल किया जाता रहता है जिनके बच्चे एक हफ्ते लगातार स्कूल नहीं आते। और हम टीचर्स द्वारा गांव में भ्रमण भी किया जाता रहता है, जिससे बच्चों की संख्या स्कूल में पर्याप्त बनी रहती है। नेक्स्ट है हमारा TLM। सो TLM क्या होता है? TLM means Teaching Learning Material। TLM बनाना एक टीचर की इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इससे बच्चों की लर्निंग प्रोसेस को और भी इफेक्टिव और इंगेजिंग बनाया जाता है। TLM वो टूल्स होते हैं जिन्हें टीचर्स खुद से तैयार करते हैं, ताकि बच्चे कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट को भी आसानी से सीख सकें। जैसे मैं अपने स्कूल के न्यू सेशन में TLM बनाती हूँ और फिर कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा TLM यूज़ करके ही पढ़ाऊँ। मैंने अपने इस सेशन के ज़्यादातर TLM के वीडियोज़ अपने चैनल पर शेयर किए हैं, तो अगर आप भी अपने बच्चों को या फिर अपने स्कूल के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, उसे चेक जरूर। तो हमारे इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है अबाउट द इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ टीचर। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी सम इम्पोर्टेंट ड्यूटीज ऑफ अ टीचर, जिसके लिए हमें सरकार द्वारा कुछ मेहनताना भी दिया जाता है। सो टिल देन, बाय बाय एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।